अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सुल्तानाज किचन। आज सुल्ताना किचन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सांभर बनाने की रेसिपी। सांभर बनाने के लिए मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं और उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। मैंने बैंगन, भिंडी, सहजन, लौकी और आलू लिए हैं। आप अपनी पसंद की जो भी सब्जी चाहें ले सकते हैं, पपाया, गाजर, कद्दू, आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है आप कौन सी सब्जी खाना चाहते हैं और क्वांटिटी आप जितनी चाहें। सब्जियों को मैंने बारीक बारीक काट कर साफ से धोकर अलग रख लिया है। एक कप अरहर की दाल को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। इसे हम हल्का सा भुनेंगे 2-3 मिनट तक। भुनने के बाद मैंने इसे धोकर कुकर में डाल दिया है और साथ में पानी डाल दिया। अब मैंने इसमें डाला 1 चम्मच नमक और अब हम इसे अच्छे से प्रेशर कुक कर लेंगे। दाल को अच्छे से गलने तक हमें पकाना है। हमारी दाल अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से हमारी दाल बिल्कुल स्मूथ हो जाती है, ये देखिए। अब हम इसमें सारी कटी हुई सब्जियां डाल देंगे। सब्जियों के साथ ही मैंने 2.5 बड़े चम्मच भर के सांभर मसाला ऐड किया है। सांभर मसाला आपको किसी भी ग्रोसरी शॉप पे आराम से मिल जाएगा। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और अब मैं इसे भी 1 विसिल आने तक कुक कर लूँगी। 1 बड़े चम्मच इमली को मैंने भिगो कर रख दिया था, मैं उसका पल्प निकाल लूँगी। 1 टीस्पून गुड़ को भी मैंने भिगो कर रखा था। इमली को मैंने अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है। हमें सिर्फ इसका पल्प और पानी यूज़ करना है। गुड़ और इमली को मैंने मिक्स करके रख लिया है। हमारी सब्जियां भी अच्छे से कुक हो चुकी हैं। मैंने इसे एक अलग बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और अब मैं इसमें इमली और गुड़ के मिक्सचर को ऐड करूंगी। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस को ऑन कर देंगे। अब मैं इसका तड़का तैयार करूंगी। इसके लिए मैंने एक पैन में सरसों का तेल लिया है। तड़के के लिए मैंने राई, मेथी दाना, हींग, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च का यूज़ किया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम सारी चीज़ें उसमें डाल देंगे। 1 से 1.5 मिनट तक इसे पकाएंगे। सांभर उबल रहा है, इस पर हम ये छौंक डाल देंगे। डालकर मैंने इसे ढक दिया है। ये देखिए हमारा सांभर बिल्कुल तैयार है। है ना एकदम आसान सी रेसिपी। आप इसे चावल के साथ भी खा सकते हैं, पर इसका असली मज़ा इडली और डोसे के साथ ही आता है। इडली और डोसे की रेसिपी भी मैंने अपने अगले वीडियो में शेयर की है। अगर आपको सांभर की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे जो भी चाहें पूछ सकते हैं। साथ में लगा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। थैंक यू।